हेलो दोस्तों, वेलकम टू धौलाधार अपडेट्स चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों का जो रिजल्ट 2020 है वो कब तक जो है जारी कर दिया जाएगा, तो इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे। तो वीडियो पर एंड तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक जो है हमारी हर नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले पहुंच सके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो है आप आज की जो ब्रेकिंग न्यूज है, सरकारी स्कूल खुलने के बाद ही घोषित किए जाएंगे नतीजे। तो इन्होंने बता रखा है कि कब से जो है इन्होंने आपके जो आंसर शीट्स हैं वो चेक होने के लिए स्टार्ट होंगी, और कब तक जो है आपका रिजल्ट जो है निकाल दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। प्रदेश में सरकारी स्कूल खुलने के बाद ही इनके नतीजे घोषित होंगे। ग्रीष्मकालीन जिलों में पहली से नौवीं और जमा एक कक्षा के अभी परीक्षा परिणाम जो है घोषित नहीं हुए हैं। प्रदेश में इस बार पांचवी और आठवीं कक्षा में परीक्षा पास करने वाले बाद ही अगली कक्षा में भेजने के आदेश जारी हुए हैं। तो जो आपका परीक्षा परिणाम होगा उसमें अगर आप पास होंगे तभी अगली कक्षा में भेजने का जो है आदेश जारी किए गए हैं अभी तक। लेकिन कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुए लॉकडाउन के कारण इन आदेशों को इस साल लागू करना मुश्किल हो गया है। उधर दसवीं और जमा दो कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम को लेकर शिक्षा बोर्ड फैसला लेगा। तो जो 10th और प्लस टू की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं, तो इसके लिए जो है जो HPBOS धर्मशाला जो है तो वो इनमें जो है फैसला लेंगे कि जल्द से जल्द जो है इनके जो है रिजल्ट, बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट जो है निकाल दिए जाएं। क्योंकि आपको पता ही है कि प्लस टू के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो 10th के, उनको जो है प्लस वन प्लस टू में जो आना होता है तो स्ट्रीम सेलेक्ट करनी पड़नी होती है, और जो प्लस टू के कैंडिडेट्स होते हैं उनको जो है कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। तो इनके जो है जल्द से जल्द निकालने के परिणाम को निकालने के जो है ये जो है मीटिंग करेंगे। तो पहली से चौथी और छठी सातवीं कक्षा की परीक्षाएं, समग्र शिक्षा अभियान, पांचवी और आठवीं की परीक्षाएं प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से ली गई थी। फिलहाल 31 मार्च तक शिक्षा विभाग ने सभी परीक्षाओं के मूल्यांकन को स्थगित कर दिया है। संभवत मंगलवार को सरकार से जारी होने वाले आदेशों में इस बाबत स्थिति स्पष्ट होगी। अगर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है तो 15 अप्रैल तक जो है नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। तो उन्होंने बता रखा है कि अगर आपके जो आंसर शीट्स हैं वो 1 अप्रैल से जो है चेक होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो 15 अप्रैल तक जो है आपके रिजल्ट घोषित होने के जो है चांसेस हैं। तो 15 अप्रैल तक जो है इन्होंने अप्रोक्सीमेट डेट जो है बता रखी है। ऐसा नहीं होने पर परीक्षा परिणाम देरी से निकलने के आसार हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पहली से चौथी और छठी सातवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम निकालने बिना ही अभ्यर्थियों को अगली कक्षा में भेजा जा सकता है। इन कक्षाओं पर अभी शिक्षा का अधिकार का संशोधित अधिनियम लागू नहीं हुआ है। पांचवी और आठवीं कक्षा के परिणाम निकालने या ना निकालने को लेकर सरकार को फैसला लेना होगा। प्रधान सचिव शिक्षा के पंत ने बताया कि इस बाबत सरकार से चर्चा करने के बाद ही आगामी फैसला लिया जाएगा। तो ये थी आज की अपडेट जो कि मैंने आपको बताई कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड शिक्षा जो है धर्मशाला की तरफ से जो है ये इन्होंने निकाली है कि जो आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा इसका सरकारी स्कूलों का हिमाचल प्रदेश में, तो वो कब तक जो है जारी करेंगे। तो मैंने आपको पूरी डिटेल में जानकारी जो है बता दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको जो है जो लेटेस्ट अपडेट जो कर्फ्यू के दौरान जो मिलेगी वो इस चैनल के द्वारा सबसे पहले जो है आपको मिलेगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें आप, ताकि उनको पता लग सके कि आपके 15 अप्रैल तक जो है अप्रोक्सीमेट डेट जो है जारी कर दी है कि 15 अप्रैल तक जो है आपके फाइनल रिजल्ट जो सरकारी स्कूलों का होगा वो घोषित कर दिया जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।